सिंगरौली में रिलायंस पावर प्लांट के विस्थापित प्रभावितों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कुछ मांगे माने जाने के बाद फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन विस्थापितों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूरी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर धरने पर बैठेंगे। रिलायंस पावर प्लांट के विस्थापित प्रभावितों ने कुछ मांगे माने जाने के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बंद कर दिया है। रिलायंस प्रबंधन द्वारा विस्थापितों की 4 मांगे मान ली गई है। विस्थापित परिवार संघ के अध्यक्ष संदीप शाह ने बताया कि प्रबंधन द्वारा रिलायंस पावर प्लांट विद्यालय DAV स्कूल बिहार में बच्चों को 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा। इस वर्ष रिलायंस एस डैम टूट गया था, जिसमें करीब 150 से 200 किसानों का फसल एवं जमीन बंजर हो गई थी, जिसका भुगतान 15 दिवस के अंदर किया जाएगा। एस डैम के चारों तरफ टूटी सड़क का तत्काल निर्माण, ग्राम पंचायत सिद्धी खुर्द रजक बस्ती के रोड का निर्माण होगा। विस्थापितों का बेरोजगारी भत्ता 15,000 से महीना किया जाएगा। विस्थापित माताओं को विधवा पेंशन 30,000 दिया जाएगा। विस्थापितों के बच्चों को उनकी शिक्षा के अनुसार नौकरी दें। ग्राम पंचायत सिद्धी खुर्द रजक बस्ती गिद्धा खाड़ी में रोड नीचे है, उसे ऊपर करके बनाया जाए। पानी की समस्या को दूर करने की मांग रखी गई है। रिलायंस पावर प्लांट के खिलाफ विस्थापित भाइयों के जो 9 सूत्री मांगों के साथ पिछले 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख को जो ज्ञापन दिए थे, उन मांगों का समाधान नहीं होने के नहीं हुआ, उसके खिलाफ में विस्थापित प्रभावित 5 ग्राम पंचायत के लोगों के साथ मिलकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हरहावा में शुरू हो चुका है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।